बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैक्सी से 1.511 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने इस मामले में कुल्लू जिला के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। बिजली बोर्ड में 51 पद खत्म करने के बाद अब आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे 81 चालकों की सेवाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे में बोर्ड ने 12 साल से सेवाएं दे रहे चालकों को दिवाली पर तोहफे देने की जगह घर बिठा दिया है। स्टार अभिनेत्री सारा अली खान फिल्म शूटिंग के लिए मनाली पहुंची। वह मनाली से 10 किलोमीटर दूर रोहतांग मार्ग पर होटल पलचान एंड स्पा में ठहरी। अभिनेत्री स्टार कलाकार आयुष्मान खुराना के साथ शूटिंग में भाग लेंगी। सोमवार को मनाली व लाहौल में शूटिंग होगी और फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माएं। ईपीएफओ ने इस वर्ष अगस्त में 9.3 लाख नए सदस्य पंजीकृत किए, इनमें 2.53 लाख महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि संगठन ने इस महीने कुल मिलाकर 18.53 लाख सदस्यों का पंजीकरण किया है। लारजी जल विद्युत परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू होने से पूर्व देवी देवताओं के आगमन और उत्सव संपन्न होने के बाद बांध का पानी कम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उत्सव संपन्न होने के बाद प्रबंधन की ओर से इसमें कोताही बरतने का मामला सामने आया है। सिरमौर जिला में आदि ब्रदी सड़क निर्माण का रास्ता साफ, आपस में जुड़ेंगे हिमाचल हरियाणा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में सोमवार को पुलिस लाइन स्थित शहीदी स्थल में पुलिस दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिन पुलिस जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नादौन हमीरपुर मार्ग पर चल रहे फोरलेन कार्य के दौरान लोहे की प्लेटों की चपेट में आकर 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं को निजी शिक्षण संस्थानों में भी नौकरी मिल सकेगी, इसके लिए डाइट सोलन ने पहल की है। इसमें डाइट की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर प्रशिक्षुओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय क्षेत्रों में स्नो लाइन की तरह अब कई प्रजातियों के पेड़ भी ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण कई प्रजातियां निचले क्षेत्रों में खत्म हो रही हैं। कई पेड़ अब ऊंचे क्षेत्रों में ही दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते एक निजी स्कूल के 9वीं के 2 छात्रों ने बेकार पड़े सामान और 2,500 रुपए खर्च कर ड्रोन तैयार किया है। ड्रोन बनाने के लिए कबाड़ का प्रयोग किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के पलासड़ा में बल्क ड्रग पार्क बनाने वाली कंपनी के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में 2 कामगारों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हिमाचल सरकार के अगले बजट में कई योजनाओं के लिए वित्त पोषण कम हो सकता है। वित्तीय अनुशासन और कई केंद्रीय योजनाओं के बजट में कटौती का असर सुक्खू सरकार के तीसरे बजट में भी दिख सकता है। संजौली अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम आज से शुरू, छत तोड़ने से शुरू किया काम। जोगिंदरनगर के सावन बरवाल ने जीती अंतर्राष्ट्रीय वेदांता दिल्ली मैराथन, गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। इस मौके उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। ऊना जिले के किसानों को गेहूं का बीज उपलब्ध करवाने से पहले कृषि विभाग जांच करेगा। किसानों को गेहूं का बीज सत्यापन होने के बाद ही उपलब्ध करवाया जाएगा। ऊना जिला के सभी स्कूल और दफ्तर पेपरलेस होंगे। डीसी ऊना ने इस संदर्भ में ऑफिस के कामकाज को ईफिस बनाने के निर्देश दिए हैं। ऊना शहर के वार्डों में वाहनों के आवागमन व लोगों के चलने के लिए बनाए गए रास्ते पार्किंग साइट बनते जा रहे हैं। इससे वार्डों में रहने वाले लोगों व वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने किया हिमाचल राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठित, कुलदीप कुमार धीमान अध्यक्ष बने। नशा तस्करों के खिलाफ मिशन मोड में पुलिस विभाग, 700 मामलों में करीब 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले से एक दुखद खबर सामने आई। यहां एक शादी समारोह में खाना बना रहे हलवाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घटना के बाद से शादी समारोह में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का धरोड़ जंक्शन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। श्री नैना देवी की श्रद्धालु यहां उतरेंगे। मंडी जनपद के अधिष्ठाता देवता बड़ा देव कमरुनाग अपने निवास स्थल महरियार से कुल्लू के लिए रवाना हुए। 22 अक्टूबर को भुंतर में मेहमान वाजी करेंगे। 23 अक्टूबर को देवता शमशी के पास स्थित गदौरी के बालाटिका मंदिर में विराजेंगे, जहां उनके भगवान रघुनाथ से मिलने की संभावना है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोले, कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण गिराया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के C.Y स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्य करेगा और यह साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र एक जैव विविधता पर केंद्रित विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से करवाए सम्मेलन में विद्यार्थियों ने जैव विविधता का वर्तमान परिदृश्य जाना। बीजेपी ने हिमाचल में बनाए 15.50 लाख सदस्य। नड्डा ने सचिव बिहारी लाल को सम्मानित किया। हमीरपुर के उपमंडल बड़सर के तहत सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिजड़ी में 2 दिवसीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया ने किया।